नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है उसका एक न्यूमेरिकल है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग हाउस वायरिंग या फिर रेजिडेंशियल वायरिंग का जो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है वो देखे थे। तो आज एक सेम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। और फिर से और एक बार बता दूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 17416, दैट इज जी स्कीम में फोर्थ सेम में EEC करके, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करके जो सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट अभी तुम्हारे सिक्स सेम में है। उसमें जो है कुछ टॉपिक ऐड किया गया है, कुछ चैप्टर को स्प्लिट किया गया है इस प्रकार से, या कंबाइन किया गया है इस प्रकार से, उसको चैप्टर जो है बनाया गया है। तो सेम वही सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट, वही कंटेंट, वही न्यूमेरिकल वगैरह है। तो इसलिए जो न्यूमेरिकल्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करे या फिर कर सकते हैं। तो अभी आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर वर्कशॉप एज शोन इन फिगर नंबर 3। तो ये जो एक फिगर देखे है, देख सकते हैं, ये एक फिगर है। तो फिगर को देख के इसमें जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये एक रूम है, इसमें देख सकते हैं कि ये 3 HP का मोटर है या 2 HP का मोटर है। ये वॉल से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, या फिर इस वॉल से जो है ये मोटर का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर की दूरी पे है। इस प्रकार से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 4 मीटर की दूरी पे है, बीच में दोनों मोटर के बीच में 4 मीटर की दूरी पे है, और ये भी 4 मीटर, एंड दैट मीन्स ये जो हॉल है 12 बाय 5 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन में पूछा है कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक। तो अभी नेक्स्ट जो दिखता है आंसर ये है, अभी मॉडल पेपर का आंसर है। इसमें जो है स्पेसिफिक रेड कलर से जो मेंशन करके है, उसमें आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड, मार्क्स आर ओनली अलॉटेड फॉर मटेरियल लिस्ट। तो जो मटेरियल का लिस्ट है उसके ऊपर ही तुमको मार्क मिलेगा, उसमें अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। फिर भी आप अगर अमाउंट लिखते हैं तो लमसम जो है वो अपने अंदाजे से लिख सकते हैं, ठीक। और नहीं लिखेंगे तो भी ऐसा नहीं कि रॉन्ग होगा, राइट ही होगा। इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के न्यूमेरिकल, जो रेजिडेंशियल वायरिंग बोलो या कमर्शियल वायरिंग बोलो या तुम्हारा फैक्ट्री इंस्टॉलेशन है, इसमें जो न्यूमेरिकल रहेगा उसमें मटेरियल का जो लिस्ट है वो लगभग अराउंड सेम ही रहता है। वो टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा रेसिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है या फिर फैक्ट्री है, फैक्ट्री इंस्टॉलेशन है। तो उसमें क्या है कि जो मटेरियल का लिस्ट है वो एज इट इज सेम ही रहता है लगभग, कुछ जो है मटेरियल जो है कम ज़्यादा होता है। इसलिए मैं पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ कि उसको तुमको बाय हार्ट कर लेना है, या फिर वो लिस्ट को आप ध्यान में रखना है कि इसी को, कोई भी न्यूमेरिकल आए, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक वही न्यूमेरिकल में ये और दूसरे न्यूमेरिकल में दूसरा, ऐसा नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल आए वो मटेरियल का लिस्ट जो है उसमें आपको डालना है। रहा क्वांटिटी का मैटर जो है वो आप जो है काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल आइटम रहता है, जैसे कि ICTP, ICDP है, या फिर स्विच है, सॉकेट है, ये सब जो है काउंटेबल है। फिगर देख के हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल जो आइटम है वो अपन काउंट करके लिखेंगे। और जो मीटर लेंथ वगैरह है वो आप लमसम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि प्रॉपर डायमेंशन को लेंथ बेस, क्योंकि मार्क भी उतना नहीं रहेगा, 4 मार्क, हार्डली 4 मार्क या 6 मार्क का ही रहेगा। तो आप उसमें ही अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो वो मे बी मिस्टेक हो सकता है, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इसलिए बेस्ट है कि आप जो है क्वांटिटी लमसम लेके लिखेंगे, तो भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि रॉन्ग होगा, राइट ही होगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में क्या है कि कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं रहेगा, एकदम फिक्स कोई आंसर नहीं है। आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एजम्पशन के ऊपर या फिर जो तुम्हारे क्वांटिटी लिखने के हिसाब से ये सब जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। जैसे स्क्रैप पकड़ते हैं, परसेंटेज ऑफ स्क्रैप, तो कोई 15% पकड़ता है, कोई 10%, कोई 12%, तो इसका कोई स्पेसिफिक है नहीं है, इसलिए वो वेरिएशन होता है, इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो मेन ध्यान देना है अपने को लिस्ट ऑफ मटेरियल का। यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक रेड कलर में दिख रहा है कि लिखा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड, मार्क्स आर ओनली अलोकेट फॉर मटेरियल लिस्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
तो ये रहा उसका डायग्राम। यह है 3 HP एंड 2 HP का 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, और ये तुम्हारे स्विच बोर्ड, और ये तुम्हारा डायमेंशन देखे। अब मोटर के लिए जो है उसका कितने का अपने को जो ये है ना ICTP, वो कितने साइज का लेना है, या फिर केबल जो है वो किस साइज का सिलेक्ट करना है, उसके लिए अपने को करंट फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है। अब ये जो 3 HP मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें टोटल पावर कितना है। अब यहाँ पे HP लिखा है, 3 HP, HP को हमको वाट में कन्वर्ट करना है, और हमको मालूम है वो कन्वर्शन फैक्टर जो है 735.5, तो 1 HP दैट इज इक्वल टू 735.5 वाट। अब यहाँ पे है 3 HP, तो पावर जो है 3 × 735.5, उसको अगर हम सॉल्व किए तो ये आता है 2206.05 वाट। तो ये 3 HP मोटर का वैटेज में कन्वर्शन किए। अब टोटल वैट कितना होता है, 2206.05 वैट, ठीक है, 3 HP मोटर का। अब पावर निकल गया, पावर पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट। अब रेटेड इनपुट करंट ऑफ दैट 3 HP मोटर IL, दैट मीन्स लाइन करंट। और हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर का फॉर्मूला मालूम है कि P इज इक्वल टू √3 VL IL cos φ, तो उसमें से IL निकाल रहे, तो ये तुम्हारा वैटेज है। यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखा है, तो आप डायरेक्ट वैटेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैटेज लिखा है 2206.5, और √3 VL 415 गिवन देके है। अगर गिवन देके नहीं है तो अपने को एज्यूम करना है, यहाँ पे देके नहीं है तो 3 फेज सप्लाई मोटर जो है, 3 फेज यहाँ पे मेंशन है, तो 3 फेज सप्लाई है तो 415, 440 है ना, 430 जो आई वो आपको लेना है। तो यहाँ पे जो है इस न्यूमेरिकल में 415 लिया है, तो हम लोग 415 ले रहे हैं, तो √3 × 415 × EFF × पावर फैक्टर। अब ये मोटर है, उसमें 100% इफिशियंसी तो रहेगा नहीं, तो इफिशियंसी जो है इसलिए इसको कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो रेटेड इनपुट करंट IL दैट इज इक्वल टू 2206.5 डिवाइड बाय √3 × 415 × 0.85। अब इफिशियंसी जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया है या एज्यूम किया गया है 0.85। इसको हम लोग 0.9 भी ले सकते हैं, 100% तो नहीं ले सकेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 0.95 तक ले सकते हैं, या फिर 0.85, या फिर 0.8 भी ले सकते हैं, उससे कम नहीं, क्योंकि उससे इफिशियंसी और कम हो जाएगा, तो मोटर का करंट जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। तो अराउंड जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल देखे है 0.85, तो हम लोग 0.85 ले रहे हैं। 0.85 × पावर फैक्टर भी यूनिट ही नहीं रहेगा ये, क्योंकि इंडक्टिव लोड है मोटर, इसलिए इसका पावर फैक्टर जो है 0.85 लिया गया है, या फिर 0.8 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है 0.85 ही लेना है। लेकिन ऐसा है कि जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पावर फैक्टर 0.8 ले रहे हैं, तो पावर फैक्टर 0.8 ही लेना है, या फिर 0.85 लेना है, या फिर 0.9 लेना है, यूनिटी तो होगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो करंट का वैल्यू आया 4.248 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग करंट कितना रहेगा, स्टार्टिंग करंट जो है वो ज़्यादा लेता है मोटर, तो वो जो है 1.5 टाइम्स ज़्यादा कंसिडर करना पड़ता है। ये न्यूमेरिकल में 2 टाइम्स दिया है, तो हम लोग 1.5 ले या फिर 2 लो, है तो 3-4 नहीं लेना है, 1.5 लेंगे तो बेस्ट, और यहाँ पे 2 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में जैसे देखे कि 2 लिया है। अब ये 2 क्यों लिया, क्योंकि इनिशियल में करंट ज़्यादा लेता है। अब कितना लेता है वो, 1.5 टाइम्स ज़्यादा लेता है, या फिर 2 टाइम्स ज़्यादा लेता है, तो 2 × 4.248। अब इसका जो आंसर आया 8.496 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी, इतना करंट कैरिंग कैपेसिटी जिस कंडक्टर में है, जिस केबल में है, वो केबल को हमको इस मोटर के कनेक्शन के लिए, टर्मिनेशन के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसलिए इसमें जो देखे हैं, इसका जो स्टैंडर्ड एक टेबल आता है आपका कोर्स बुक में वगैरह है होगा, तो उसमें देखे है कि 3 फेज कॉपर केबल है या फिर एल्युमिनियम केबल है, कितना करंट, कितना साइज का केबल जो है कितना करंट कैरी कर सकते हैं, वो एक टेबल है। तो टेबल पर से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ध्यान में रखना कि अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो हमको 2.5
या फिर इससे ज़्यादा का करंट आता है तो 4, या फिर उससे ज़्यादा करंट अगर लेता है तो वो 6, उससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं होगा, तो 2.5, 4 या 6 स्क्वायर mm का केबल यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसे 8.496, तो ये जो है 2.5 स्क्वायर mm, 4 कोर केबल, कॉपर केबल, ठीक है, 500 वोल्ट ग्रेड, शुड बी सिलेक्टेड, रेटिंग ऑफ SFU, ICTP स्विच इन इज 16 एम्पियर, 450 ग्रेड, शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये जो केबल का साइज बताया है कि 2.5 स्क्वायर mm का जो केबल है, 4 कोर केबल, ये केबल को सिलेक्ट करेंगे। और ICTP जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो जो है ICTP आयरन क्लैड ट्रिपल पोल है ना, 3 फेज है इसलिए। तो इसमें 16 एम्पियर जो रेटिंग का ICTP है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका वोल्टेज ग्रेड जो है 450 वोल्ट या 500 वोल्ट भी लिख सकते हैं, कुछ ये नहीं है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि वो 500 वोल्ट तक भी सस्टेन करेगा। नॉर्मल रेटेड वोल्टेज जो है यहाँ पे कंसिडर गया है 3 फेज 415, 3 फेज सप्लाई में 415 वोल्टेज कंसिडर किया गया है। तो ये जो है उससे ज़्यादा वोल्टेज हम लोग रेटिंग का ICTP ले रहे या केबल ले रहे तो वो क्या है उस वोल्टेज में सस्टेन करेगा, इसलिए। तो इस रेटिंग का हमको ICTP लेना है और इस रेटिंग का हमको वायर यूज़ करना है। सेकेंड जो मोटर है उसका रेटिंग जो है 2 HP मोटर है, उसको हमको वैट में कन्वर्ट करना है। तो 2 × 735.5 दैट इज 1471 वैट, इतना वैटेज आता है, 1471 वैट। अब इसमें सेम वही हमको इनपुट करंट निकालना है 2 HP मोटर के लिए, सेम वही फॉर्मूला पावर का जो है √3 VL IL cos φ। अब IL इज इक्वल टू ये आउटपुट पावर, जो मोटर का इनपुट पावर है 1471 डिवाइड बाय √3 VL इंटू एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू पावर फैक्टर cos φ, दैट इज पावर फैक्टर यहाँ पे लिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो 1471 √3 415 इंटू एफिशिएंसी 0.85 और इंटू पावर फैक्टर भी 0.85। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो करंट लेता है 2.83 एम्पियर, ये जो है रेटेड इनपुट करंट ऑफ 2 HP मोटर। अब इसमें स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए 2.83 को, वो आंसर आता है 5.66 एम्पियर। तो इसके लिए हम लोग यूज़ जो कर रहे हैं वो 1.5 स्क्वायर mm, 4 कोर केबल, कॉपर केबल, 500 वोल्ट ग्रेड, शुड बी सिलेक्टेड, और ICTP स्विच इज 16 एम्पियर, 450 ग्रेड, शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो ICTP, क्योंकि ICTP जो है वो 16 एम्पियर से ही शुरू होता है, उसके नीचे का ICTP मिलता नहीं है। तो ये जो है मिनिमम रेटिंग का ये ICTP है, तो मिनिमम इसको सिलेक्ट करना है। अब ये हो गया हमारे दोनों मोटर का जो केबल का साइज और ICTP का साइज फाइंड आउट किया, किस प्रकार से किए वो देख लिया है। अभी हम लोग मटेरियल का लिस्ट तैयार करना है, तो शेड्यूल ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो 32 एम्पियर बस बार विथ न्यूट्रल लिंक, तो बस बार जो है वो मोटर को सप्लाई देने के लिए अपने को, जैसे कि मेन स्विच रहता है वहाँ पे तुम्हारा बस बार रहेगा विथ न्यूट्रल लिंक, तो वो एक क्वांटिटी चाहिए। उसका अमाउंट यहाँ पे देखे है 1750 रुपये। 3 फेज 4 वायर 415 15 to 30 एम्पियर AC सप्लाई एनर्जी मीटर, तो हमको 3 फेज एनर्जी मीटर की भी ज़रूरत है, वो एक क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ICTP लगेगा 450 वोल्ट 16 एम्पियर रेटिंग का, वो ICTP जो है वो 3 ले रहे हैं, ठीक है, 3। और DOL स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वो 2 लगेगा क्योंकि 2 मोटर है। फिर 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, अर्थिंग वायर, अब मोटर को अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगा, तो ये अर्थिंग वायर जो है 8 जो है स्टैंडर्ड जो है 8 से कम गेज का लेना नहीं है अपने को, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज अर्थिंग के लिए मोटर को लगता है। तो ये जो है तुम्हारे, अब इसमें जो है KG में आता है जिया वायर, तो ये 0.5 KG, अब उसको 0.5 लिख दो या 1 KG लिखो। और जो है अर्थिंग प्लेट की भी ज़रूरत पड़ेगा 60 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू
6.36 mm कॉपर अर्थिंग प्लेट, अगर हम जीआई का यूज़ करते हैं तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू ये जो है ये कॉपर का है तो यहाँ पे 3 mm का लगता है, जीआई का 6.3 जो है एमएम का लगता है, तो यहाँ पे जैसे लिया है इन्होंने 6.36, तो आप कॉपर का है तो 3 mm का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर प्लेट अर्थिंग के लिए एक लगेगा, अर्थिंग नट बोल्ट जो है वो लगता है, नट बोल्ट मोटर में दो जगह पे दो मोटर है तो दो पॉइंट पे अपने को अर्थिंग करना है तो 4 जो है नट बोल्ट लगेंगे अर्थिंग करने के लिए, जो उसका चारकोल सॉल्ट वगैरह जो है वो सब लगेंगे तो वो लमसम दिया है। उसके बाद वुडन बोर्ड फॉर SDB सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए वुडन बोर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है वैसे ही सेम क्वांटिटी 0.5 लिख दिया है, तो इसमें हम लोग कम ज़्यादा लिख सकते कोई ये नहीं है। फिर स्क्रू 3 इंच लेंथ, तो ये एसेसरीज जो है वो ऐसा क्वांटिटी जो है वो फिक्स नहीं है, इसमें भी सेम हम लोग 12 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, 14 16 जो लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्रू नट ये सब जो है एसेसरीज है छोटे छोटे चीज़ें हैं तो वो लिख सकते हैं। वैसे स्क्रू 1 इंच 10 नंबर, RYB इंडिकेशन लैम्प, तो मेन स्विच बोर्ड में जो इंडिकेटर लैम्प लगता है वो RYB का, वो 3 नंबर, PVC टेप ये 4 है ना जो तुम्हारा रोल रहता है टेप का वो 4, उसके बाद जो तुम्हारा सैडल है वो एक बॉक्स, यहाँ पे 2 बॉक्स लिख दो कुछ नहीं चलेगा। 32 mm PVC कंडूट, अब जो है वो जो उसका केबल है या टर्मिनेशन के लिए जो केबल या वायर का यूज़ किया कर रहा है तो उसको जो है वो कंडूट के अंदर से लेके जाना पड़ेगा, तो वो 32 mm के PVC कंडूट के थ्रू लेके जाएंगे, तो वो 7 पाइप लिख दिया, उसको 5 पाइप लिख दो, 10 पाइप लिख दो, 19-20 चलेगा, ऐसा स्टैंडर्ड एकदम फिक्स ये नहीं है, ठीक है। 2.5 square mm जैसे हम लोग वो केबल 3 HP मोटर के लिए जो है यूज़ हो रहा है वो 15 मीटर लिए, क्योंकि वो जो रूम का डायमेंशन है 12 मीटर है और इधर तुम्हारा 5 मीटर है तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके है ना 15 मीटर लिया है, तो किसी के कैलकुलेशन में वो 12 मीटर भी आ सकता है, तो अराउंड जो है 12, 15, 18 ले सकते हैं। फिर 1.5 square mm वो 10 मीटर, जंक्शन बॉक्स जो है वो 3 लग रहा है, लग एंड ग्लैंड जो केबल टर्मिनेशन करने के लिए जो लग लगता है वो लग जो है ना, अब यहाँ पे देखो उसमें 4 कोर बोला था तो 4 कोर के लिए 4 लग लगेगा एक केबल को और दूसरा जो है उसमें 4 लगेगा तो ऐसे करके 8 लगता है, यहाँ पे 6 देखे है तो अप्रोक्सीमेट लिखा है तो तुम 8 लिखो 10 लिखो या 6 लिखो चलेगा। उसके अलावा लेबर चार्ज जो है वो लमसम, और उसके बाद कंटिंजेंसीज प्लस प्रॉफिट मार्जिन 10% जो भी अमाउंट आता है उसका 10%, इस प्रकार से ये टोटल अमाउंट जो है इसका कॉस्ट ऑफ वर्क का है। तो इसमें जो है अमाउंट जो है वो किसी को तो पता ही नहीं है ना, आपको भी पता नहीं है मार्केट में कोई किस मटेरियल का क्या रेट है, तो इसीलिए कैसा है कि प्रैक्टिस करते करते 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे और उससे जो हैवी मेन बोर्ड स्विच वगैरह क्या किस रेट में आता है उस रेट से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है स्टैंडर्ड कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, फिर जो तुमको लिखना है तो लिखो, जैसे यहाँ पे पहले ही बोला है कि इंडिकेट करके है कि भाई तुमको मटेरियल के रेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेट लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मार्क जो है दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल लिस्ट के ऊपर मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो। तो इसी के साथ ये जो लिस्ट हो गया इसमें करीब तुमको 19 लिस्ट है तो कम से कम 12-15 जो है लिस्ट जो है याद करके रखना है, और वो हर न्यूमेरिकल अभी ये जो मोटर का इंस्टॉलेशन का है ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा ही, और उसका जैसे इंस्टॉलेशन आएगा तो ये मटेरियल लिस्ट वहाँ पे लिख देने का, बस हो गया टेंशन ही नहीं। तो इसमें बहुत ही ईजी है, सिर्फ कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है समझ गए होंगे, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगा है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो।